नमस्कार प्रशिक्षु, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, आपके साथ बहुत सारे अभ्यर्थी भी परेशान हैं। इस सारे डाउट को हम यहीं पे क्लियर करने वाले हैं, आप लोग अंत तक जुड़े रहना। पहला डाउट ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि कौन से प्रशिक्षु स्कूटनी के फॉर्म फिलअप करेंगे, स्कूटनी के फॉर्म फिलअप करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कौन से करेंगे, अगर करेंगे भी तो किस प्रकार के प्रशिक्षु करेंगे। दूसरी बात यह है, जिनका दो बार सेमेस्टर बैक लगा है, यानी तीन सब्जेक्ट से ज़्यादा जिनका दो बार सेमेस्टर बैक है, उनके लिए क्या डीएलएड बचा है कि नहीं। दो बार सेमेस्टर बैक, सेमेस्टर बैक। और तीसरी बात यह क्लियर करेंगे कि क्या बीएड जो है, क्या बीएड प्राइमरी में शामिल होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। अपना हम जो एक तरह से जो अपना पक्ष है वह रखना चाहेंगे बस, है ना। और तीसरी बात यह है कि आपको प्रत्यावेदन, मतलब कौन से प्रशिक्षु प्रत्यावेदन देंगे, प्रत्यावेदन देंगे कौन से प्रशिक्षु प्रत्यावेदन देंगे, और किस प्रकार के प्रशिक्षु का एग्जाम होगा और किसका नहीं होगा, इस पर चर्चा करेंगे। और कब से देंगे, कब तक इसका डेट होता है, कब तक लास्ट डेट होता है, सारी बातों को हम यहीं पर क्लियर कर देना चाहते हैं। और तीसरी बात, मतलब एक और बात हम चर्चा करने वाले हैं भाई, कि आपका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट सेमेस्टर का, वो कब तक हो जाएगा। यह हमारे सचिव सर के अनुसार यह भी रहेगा, जो भी चीज़ें हम बताएंगे वो आपके पीएनपी कार्यालय से रिलेटेड सचिव सर के कहनाम के अनुसार ही बताएंगे। लेकिन आपको पता है स्कूटनी फॉर्म अब स्टार्ट हो चुका है। आप लोग बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अभ्यर्थी डाउट में होंगे, अभी बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं भी फिलअप किए होंगे, लेकिन जो फिल किए कर दिए उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं फिल किया है वो ध्यान से सुन लेंगे हमारी बात को। स्कूटनी के फॉर्म नहीं फिल करिएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। अगर आपका कोई कॉलेज वाला जो है आपके एप्लीकेशन को सुन पा रहा है, क्योंकि कॉलेज वाले जब इतनी बड़ी संस्था को चला सकते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि आपकी कापियां तक निकलवा सकते हैं, क्योंकि उन लोग की एक तरह से कह लीजिए मनमानी होती है, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी कापी निकलवाई जाए। इस वजह से सोचते हैं बहुत लंबा वक्त लगेगा, बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप करना पड़ेगा, इस वजह से वो कापी नहीं निकलवाते हैं, है ना। इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। और जो आपका स्पुटनी का फॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस चलता है। इंडिया चाहते तो मात्र 15 दिन में ही फॉर्म फिलअप करवा के, 15 से 20 दिन में कापी चेक करवा कर वो आंसर शीट आपके सामने दे देते, लेकिन इनका कारनामा कुछ ऐसा होता है कि एक महीने तो आपका यह लगेगा स्कूटनी के फॉर्म फिलअप करने में, एक महीने इसके रिजल्ट आने में लगेंगे, एक महीने आपके मतलब एक महीने कापियाँ मंगवाने में लगेंगे, और एक महीने रिजल्ट आने में लगेगा। मेरे भाई आप इस तरह अगर जोड़ लो तो कम से कम 2.5 महीने तो आपके जाएंगे ही जाएंगे स्कूटनी के फॉर्म में, उसके बाद ही नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो पहली बात यह क्लियर हो गया, स्कूटनी के फॉर्म कौन सा बच्चा भरेगा, कौन अभ्यर्थी भरेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी का यह भी डाउट है कि सर जिनका दो बार सेमेस्टर बैक है तो क्या स्कूटनी के फॉर्म डाल सकते हैं, उनका एग्जाम क्या होगा। ये देखिए साफ साफ बता देते हैं, जिनका दो बार सेमेस्टर बैक है उनका डीएलएड खत्म हो गया, वो डीएलएड अब कभी नहीं कर सकते। उनको टीचर बनने का मात्र 2-3 रास्ता जो है, एक बीएड कर लें, या फिर वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, पीजीटी के माध्यम से बन सकते हैं, या फिर टीजीटी के माध्यम से बन सकते हैं, ठीक है, यह चीज़ें हो सकती हैं। या फिर डीएलएड तो अब कभी नहीं कर सकते, डीएलएड उनके लिए बना ही नहीं था। अब ऐसा हो गया, दो बार सेमेस्टर बैक लगा लिए तो कहानी खत्म हो गया, अब डीएलएड वो कर ही नहीं सकते। इसके बाद साथ ही दूसरी बात, दो बार सेमेस्टर बैक वाले हमने बता दिया क्या करेंगे, बीएड प्राइमरी में शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा, यह हमारा और आपका विषय नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का विषय है, जिसपे छः हफ्ते इस मुद्दे को टाल दिया गया है, यानी कि 1.5 महीने के आसपास में, 1.5 महीने के बाद इस पर जो है दोनों पक्षों को बोला गया है कि आपने मजबूती से पक्ष रखिएगा, जिसका मजबूत फैसला होगा उसके अनुसार कार्यवाही होगी। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है, तो इस पर कुछ भी हो सकता है फैसला, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे। अगर वह चाहेंगे अगले चुनाव तक, मतलब कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसको देखते हुए फिर से कोई बिल पारित करा के बीएड को फिर से शामिल करा सकते हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक की जरूरत है। साफ साफ मुद्दा है मेरे भाई, जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी मान सकते हैं वो थोड़ा बुरा मान जाए यहाँ पर, लेकिन जो सही बात है हम वो चीज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रत्यावेदन देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, कब टाइम होता है, सर हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, हमारा 3 बार बैक है, 4 बार, चौथी बार भी लग गया, सर दे सकते कि नहीं। पहली बात ये क्लियर कर देते हैं, जिनको चौथी बार चांस दिया गया था वो कदापि नहीं दे सकते, अब नहीं दे सकते भाई, तो नहीं दे सकते। अगर देना है तो मतलब आपकी मर्जी, आप दे सकते हो, 10 बार भी फेल होकर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका प्रत्यावेदन एक्सेप्ट अगर हो गया तो भैया आपका लग बहुत बढ़िया है, अगर ना हुआ तो भैया समझ लेना कि 3 बार के बाद चौथी बार जो चांस मिलता है वही काफ़ी बेस्ट, मतलब लास्ट चांस होता है, उसके बाद चांस उनसे नहीं मिलता है। और प्रत्यावेदन वैसे ही प्रशिक्षु का एक्सेप्ट किया जाता है, जनरली वैसे ही मेरे भाई का जो एडमिट कार्ड आता है चौथी बार, जिनका किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में अगर बैक होता है। तो फिलहाल में बहुत सारे लोग हैं जो आपके डीएलएड के प्रभारी अध्यक्ष हैं,
प्लस डीएलएड के जो अभी गुप्ता कोई करके अध्यक्ष बना है वह है, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए उतावले हैं, आप वहाँ पर जाकर उनके संपर्क करके करवा सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। उनका मोबाइल नंबर वगैरह वायरल होता हो रहा है, आप लोग उनसे बात वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्यावेदन के लिए हमने बता दिया, प्रत्यावेदन में क्या ले जाना है, कब जाना है, इसके लिए जब कब जाना है, कब जमा होगा, कब से, इसके लिए कोई लिमिट टाइम नहीं होती है। बस इतना टाइम हम बता देते हैं आपको, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट से लेकर परीक्षा फॉर्म जमा होने तक आप अपने प्रत्यावेदन को जमा कर सकते हैं। अब प्रत्यावेदन अगर उस बीच जमा हो गया तो ज़्यादा चांस होगा कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, और आप समझ सकते हैं पिछली बार 10,000-8,000 बच्चों का जमा हुआ था, लेकिन 2,000 बच्चों का एग्ज़ाम कराया जा सका था, तो इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि एक तरह से यह कह लीजिए कि लकी ड्रॉ है, और जिसका उसमें पर्ची आ गया उसका एग्ज़ाम हो गया, नहीं तो फिर नहीं होता है। यह पूरा का पूरा जो ड्रामा है, मतलब जो पूरा का पूरा यह डिपेंड करता है, यह हमारे डायरेक्टर सर के ऊपर डिपेंड करता है किसका आएगा किसका नहीं आएगा। प्रत्यावेदन कहाँ जमा होगा हमको बता देते हैं, आपको लखनऊ जाना होगा, लखनऊ SCERT, जब आप 4 बाग पर उतरेंगे वहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूर पर है, 2-4 किलोमीटर की दूर पर आपको SCERT मिलेगा, वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। अरे गोमती नगर देख रहे हैं, गोमती नगर के पहले पड़ता है, उसका एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट जगह हम बता देते हैं अगर आपको, तो चलिए हम आपको एग्जैक्ट जगह भी शेयर कर देंगे। और एग्ज़ाम की बात कर लें, आप देख रहे हो स्कूटनी के फॉर्म में डिले होगा, जितना डिले होगा उतना डिले होगा आपके एग्ज़ाम में। और इस तरह से अगर देखा जाए बच्चों का कहना सर तो भर्ती आ जाएगी, भर्ती भाई नहीं आएगी अभी इतना समझ लेना, क्योंकि इधर मामला इधर उलझा हुआ है, 69,000 का उलझा हुआ है, भर्ती के लिए आप टेंशन ना लो। अब अगर भर्ती आ भी जाती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तब भी आप नहीं भर पाओगे, अगर भर्ती नहीं आती है तब तो खैर ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल में चर्चा करने का विषय नहीं, जिस पे चर्चा करना आप उस पर करो। और अगली बात, जितने भी डीएलएड के क्लास हमने करा दिए हैं डीएलएड 4th semester तक, सब कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट कैसे मिलेगा आपको, पहले होम पेज जिस में आप वीडियो देख रहे हैं उस पे लोगों पे क्लिक करेंगे जब, तो पूरा का पूरा चैनल आ जाएगा, चैनल में पहले होम पेज होगा, फिर वीडियोज होगा, फिर प्लेलिस्ट होगा, इस तरह से कम्युनिटी वगैरह लाइन से ऊपर सबसे होगा, तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो सब मिल जाएगा, CTET UPTET DLED के सभी सेमेस्टर, ठीक है भाई। और हाँ, ग्रुप डी के सेकेंड फेज के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 26 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है, धन्यवाद।